ऐसो इहो संसार पेखणा रहन न को पई है रे सुदे सुदे रेग चलो तोम नतर को तका दवई है रे बारे बूढ़े तरने पहिया सब हों जमल जई है रे मानस बपरा मूसा की नौ मीज बलैया खई है रे राणा राव न को रह रंग न तोंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंदे तीर वारी आपो अपनी कोई न बंदे तीर परम सत्कार योग गुरु चरणा विखे बड़े वैरागमई समय के संबंध में नगर निवासी इलाका निवासी दूर दुरेडे तो आए हुए संगी स्नेही रिश्तेदार गुरु की फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडे सत्कार योग सरदार मिहर सिंह जी सुवासां दी पूंजी जिन्नी वाहिगुरु ने बख्शी सी ओनी भोगण तो बाद इस मौत लोक नो परलोक गमन कर गए हन। अज उन्हां दी याद च सेवक परिवार वल्लों अपने बजुर्गां दी याद दशहरा मनाया जा रहा है। गुरबाणी दे भोग पए उपरंत नानक सर वाले महापुरखां दी संप्रदाय और उन्हां गुरमुख प्यारे कीर्तनी जथे पासों वडमुल्ले विचार ते गुरबाणी दे शब्द कीर्तन नूं सुण के आपां सारे अपने जीवन दीआं घड़ियां नूं सफलियां करन दा यतन कीता है। सतगुरु दा हुक्म है जो दिन आवै है सो दिन जाहे करना कूच रहन थिर नाही संग चलत है हम भी चलना दूर गवन सिर उपर मरना। जेड़ा दिन आ गया ना वो जिंदगी च दोबारा नहीं आउंदा। जेड़ा समा मिल गया ना उन्हें जिंदगी च दोबारा नहीं मिलना। ये गल वक्री है भी रोज़ हनेरी रात आउंदी है दिन चढ़ जाता सी समझदे भी उही दिन है। गुरबाणी कहती है भी नहीं जेड़ा सा एक वार ले लिया ने वो दूजी वार नहीं आउंदा। जेड़ा पानी एक वार पुल हेठ दी लंघ गया वो दोबारा नहीं आउंदा। भगतां ने आख्या जेड़ा अस्त्रां वेचदी एक वार दुध निकल गया वो दोबारा नहीं आउंदा। बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरण दोहेला हाथ ना लाए कसुंबड़ै जल जासी ढोलै एक आपी ने पात ली सहकेरे बोलै दुधा थनी ना आवई फिर होए ना मेलै कहे फरीद सहेली हो सहो अलाए सी हंस चल सी डुमना एह तन ढेरी थेसे। जेड़ा दिन आ गया वो दोबारा नहीं आना। दिन दिन की संज्ञा करके घड़ी पल की संज्ञा करके दिन ते पहर पहर ते घड़ियां
आव घटै तन छीजै, काल अहेरी फिरै बद के ज्यों, कहो हो कवन बिद की जै। दिना तो पहरां तो दिन चढ़ जांदे ने, भागां वाले कीर्तन सोहला आप पढ़ते होवांगे। सतगुरु ने गुरबाणी च गुरु नानक साहब ने बयान किया, विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो होवा। बहुत घट समय तो जिंदगी की शुरुआत होंदी है। 15 वारी अख खोलीए तो मीच गए, एक वार अख खोलन तो मीचण नू सकेंट लगता है, उन्हों कहिंदे छेन। छेन काल का समा अख दे फरकारे दा छेन। 15 वारी अख खोलीए तो मीच गए, एक विसवा बनता है। 15 विसवियां दा एक चसा बनता है। 30 चसियां दा एक पल बनता है। 60 पलां दी एक घड़ी बनती है। 7.5 घड़ियां दा एक पहर बनता है। 8 पहरां दा रात ते दिन बनता है। 7 दिनां दा हफ्ता बनता है। 15 दी थित बनती है। 28 तो लैके 32 दिनां तक एक महीना बनता है। 2 महीनियां दी रुत बनती है। साल दा 12 महीनियां दा वरा बनता है। साल 12 सालां दा कुंभ बनता है। दिन दिन दी संगया करके सतगुरु कहिंदे उम्र तेरी जिहड़ी है ना ऐ प्राणी ये घटदी जांदी है, घटदी जांदी है। सतगुरु ने एक भुलेखा होर कढ़िया है। जदों भगत बाणी आरंभ कीती ना गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर, श्री राग पहला राग है, भगतां ने पहलों ही ये सवाल इस मसले का हल किया है। कहन के जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। छोटा जा बच्चा मां दे कुछड़ चुकिया होया है, मां लोरियां देंदी है ते आस रखती है मेरा पुत वड्डा हुंदा जांदा है। हर मां बाप की इच्छा यही बनी रही है, वड्डा हुंदा जांदा है। सुख नाल जो वड्डा हो गया होर वड्डा हो रहा है, बच्चा वड्डा हुंदा जांदा है। भगत जी कहिंदे भोलीए माए कौन तेनू दसे भी तू बोलदी तां सच ही है, पर सच विच भी प्यार छुपिया होया है। दर हकीकत तेरा पुत छोटा हुंदा जांदा है, रोज दे रोज छोटा हुंदा जांदा है। भोली मां प्यार विच मगन होई कहिंदी पुत्र वड्डा हुंदा जांदा है, वड्डा तेनू कौन दसे भी ये रोज छोटा हुंदा, एक एक दिन करके एक एक साह करके छोटा हो रहा है। फर्ज करो जे 60 साल की उम्र है, 10 साल का बच्चा हो गया तो मगर 50 ही रह गए ना, 10 साल छोटा होया वड्डा नहीं होया। पर साडा एक पुरानियां मैतावां का एक बड़ा मुहावरा जिहा सी, आम घरां च पता सी, हुण तां बिजलियां दे प्रबंध बन गए ना। पहलो दीवा बत्ती जगाई दा सी, तेल दे दीवे, मिट्टी दे तेल दे दीवे, ओना क चेर अंगीठियां जी बनाईया होंदिया सी, उत्ते रख्या होंदा सी, अंदर भी चानण रवे ते बाहर भी रवे। सो ओ दीवा जदों लंगर पानी छक लईदा सी ते वड्डी बेबे ना नौ धी नूं कहिंदी सी पुत्तर दीवा वड्डा कर दे, बुझाउणा नहीं सी कहीदा सी दीवा वड्डा कर दे वधा दे। ओ दीवा बुझाउण नूं वड्डा कहीदा है। सतगुरु कहिंदे तेरी जिंदगी जिहड़ी मौत वल तुरी जांदी है। भोली मां कहिंदी है मेरा पुत्र वड्डा हुंदा जांदा, हकीकत ठीक है, इह वड्डा मौत वल वधदा जा रिहा, वधदा जा रिहा है। एक दिन ऐसा समा आना जिसने हरेक ते आउणा है ते मौत दे साए तो को बच नहीं सकदा है। विद्वान लोकां ने जिस दुनिया विच असीं विचरदे हां ना इहदा नाम रख्या सी मौत लोक, भी ये मौत दी दुनिया है, मौत दा लोक है, मौत दा। जो जन्म है सो जाना हो मुआ, जिहड़ा जन्म लैके आवेगा ना मौत लोक विच आ गया, मौत दे देश विच आ गया है।
सियाणियां ने आख्या वच मरेगा क्योंकि मौत की दुनिया में वसण लग पे है। अजकल असी उहदा नाम विगाड़ के ना विगड़ के हर चीज़ का लंबे समय बाद नाम विगड़ जाता है। सियाणियां ने दा नाम रखिया सी मौत लोक, असी इहनू अजकल कहना कीता भी मात लोक है, मात लोक है। जदों ना रखिया सी ना उदों मौत लोक ही रखिया सी कि ये मौत की दुनिया है। मौत की दुनिया विच केवल मनुख ही काल के अधीन नहीं, गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़न वाले ने पढ़िया होवेगा भी जो दिसै सो सगल विनाशै ज्यों बादर की छाई। जिहड़ी चीज तैनू नजरी आ रही है ना मनुख है वह सारी बिनसन हार है क्योंकि मौत की दुनिया है। इत्थे कोई वस्तु है जिहड़ी पक्के तौर ते रह सके? हजूर कहिंदे कदे वी नहीं। एक थां ते हजूर ने ऐसा बचन भी किया, कहन लगे जो दिसै सो काल है खरना है। जो दिस रहा है ना काल ने लैके चले जाना है, कदे कोई कायम नहीं रह सकता कि मैं पकीजा तौर ते इत्थे रह सकां। भगत जी ने कोई बचन ऐसे गुरबाणी च भगत फरीद साहब ने कहे, कहिंदे सेख हयाती जग ना कोई थिर रहिया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। जिन्हां थावां ते असीं बैठे हां साडे वड्डे वडेरे आए ते उह पूज करके चले गए, धरती ज्यों दी त्यों असीं उत्थे दे वसन वाले होर आ गए। और भगत फरीद साहब जी कहिंदे फरीदा किथे तेंडे मापे हैं, किथे ने तेरे मापे हैं फरीदा, किथे तेंडे मापे हैं जिन्नी तू जनियो है तै पासा ओए लद गए तू अजय ना पतीण हो। तेनू अजय भरोसा नहीं भी मौत एक अटल सच्चाई है, तेने हरेक ते आउणा है। बड़े बड़े लोग आए दुनिया च जिन्होंने आख्या मौत नूं असीं जित लिया, काल नूं पावे नाल बन्न लिया। चक्करवर्ती पातशाह सदाउण वाले जिन्हां दे सिरां ते 12 योजन चार योजन का वाहिगुरु, एक योजन का चार को पैंडा बनता है, ते 48 को जिन्हां दे सिर ते छतर झुलदे सी ना दुर्योधन वर्गे बादशाह सदाउण वाले, 12 योजन छतर चल था देही गिरज ना खाई। वड़े वड़े बादशाह सदाउण वाले रावण से महरावण से कटकानन से पल बीच पछारे, काल महाबली है तो कोई बच नहीं सकया भावें किड्डे रुतबे का मालिक भी क्यों ना होवे। गुरबाणी इस गल की गवाही देती है। रावण कहिंदा सी मैं काल नूं पावे नाल बद्धा होया, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, अज मशीनी युग बन गया, सूरज तों रोशनी लैके अज मोटरां चलदियां, घरां दियां बत्तियां चलदियां ने, मशीनां चलदियां ने, ट्रेनां चलदियां, बिजली पैदा हुंदी है, आपां नूं पता है। रावण दे समें त्रेते युग विच वी इह सहूलतां सी, इन्नी साइंस यह नहीं भी होनी, साइंस ने तरक्की की, साइंस तो उदों भी तरक्की ते सी, पर जो रब की होने तो साइंस मुनकर हो लग पैंदी ना, और माड़ा जिहा छानना हिलाउंदा है, चाटी मलिया मेट करदा है, शरीक तो कोई भी नहीं चाहुंदा, शरीक नूं कदे शरीक बर्दाश्त करदा है। जदों दुनिया ते वड्डे साइंसदान रब दे शरीक बन बैठते हैं ना उदों रब फिर माड़ा जिहा हिलूणा देंदा ते किधर जांदा सब कुछ है। सतगुरु ने गुरबाणी च एक बचन किया, कहन लगे ऐसा रावण वर्गा महाबली ओदे चंद सूरज जाके तपत रसोए, बैसंतर जाके कपड़े धोए, अग नाल चलदियां मशीनां कपड़े धोण वालियां, सूरज चंद्रमा की रोशनी रसोई का काम करती है, चुल्हे बलदे ने, सारी लंका घर सोने का बनाया होया, कहिंदा काल नूं पावे ना बद्धा, स्वर्ग नूं सोने दियां पौड़ियां लाउणियां सोने दियां,
बली इन्ना सी अपने समय विच ते राज भाग एडा वड्डा जिन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े उन्होंने जरूर पढ़िया होवेगा। दसों पातशाह ने 24 अवतारां की कथा लिखी दसम विच, सब तो लंबी कथा राम जी ते रावण की कहानी ये रामा अवतार लिखिया है। लेकिन मैं इस बन्ने ने जावा बहुत लंबा करे फिर समा सही। हनुमान नाटक जिन्होंने पढ़िया ना, हनुमान नाटक शायद विद्वान बैठे हो, हनुमान नाटक है वो जिन्होंने पढ़िया वो कहिंदे ऐसा रावण महाबली जिहदे तो वड़े वड़े राजे महाराजे पैपीत सन, कोई डरदा उहदे लागे नहीं सी आउंदा, कोई लागे नहीं सी डरदा लगदा, और एडी सुंदर सोने दी उहदी लंका और याही गढ़ लंक को निशंक हो ना देख देव आयस को मान माथे भूम सिर नावते सातों पौर बाहर बिछौना बिन ठाडे रहे न्यारे न्यारे अपनों जोहार पहुंचावते याही को बुलाव तो सुआव तो शशंक मान बिना मेरे कहे टिग बैठनो ना पावते ताही गढ़ को रीछ बांदर लपेटता है सभी दिन एक से ना पाए मन पावते। हनुमान नाटक वाला लिखता कहिंदा रावण कहिंदा ऐ दुनिया दे लोगो मैं एडा अजे तसा एडा महाबली सा एडा विद्वान सी दुनिया च एडा विद्वान है। मैं कई बार हैरान हुन्ना भी जदों दा दशहरा आउंदा ना उदों दे पटाके जे पा के उहदे शरीर जिहा बना के ते लोग पटाके चलाउंदे ने, किसी नेता नूं सद्दे भी तू चला इहनूं उद्घाटन कर, उस बंदे नूं सारा चारे वेद उहने टीका कीता होया। टीका मामूली बंदा नहीं सी रावण है, चौं वेद जवानी कंठ ते फिर खालसा जी चौं वेदां दा भगता जवानी कंठ तों टीका कीता होया है। ते जदों नूं दशहरे ते अग लाउंदे ने पटाके चलाउंदे ओह लाउंदे ने जिन्हां ने कदे जपजी साहिब वी नहीं सानूं पता है साड़दे रावण नूं पटाके उहनूं चलाउंदे ने आप करे मूँह धो के जपजी साहिब वी नहीं पढ़िया। एडा वड्डा विद्वान अज भी दुनिया पटाके मार मार चलाई जांदी है। सतगुरु गरीब नवाज दे बचन ने ऐसा महाबली रावण है वो कहिंदा याही गढ़ को किला जिहड़ा मेरा लंका सोने दी ना याही गढ़ लंक को निशंक हो ना देखै देव, कोई देवता निशंक हो के मेरे किले वाल झाक नहीं सी सकदा है। आयस को मान माथे भूम सिर नावते मेरी आग्या नूं मनदे मत्थे टेक टेक दुनिया आउंदी सी रावण दे चरणां दे वड़े वड़े राजे मत्था टेकदे सी, सातों पौर बाहर बिछौना बिन ठाडे रहे न्यारे न्यारे अपनों जोहार पहुंचावते। लंका दे सात दरवाजे सी उहदे दाखल होण दे सात दरवाजे, सत्तां दरवाजियां दे उपर सातों पौर बाहर बिछौना बिन ठाडे बिना विछाई तो ना वड़े वड़े राजे महाराजे धरती ते बैठदे सी समें दी उड़ीक करदे सी भी कदों आवाज वजे कदों सिणी आवे ते मुलाकात कर सकीए। सातों पौर बाहर बिछौना बिन ठाडे रहे न्यारे न्यारे अपनों जोहार पहुंचावते, आप अपनियां भेटा लैके मिलते सी राजे रावण नूं भेटा दे के मिलते सी, ते फिर याही को बुलाव तो सुआव तो शशंक मान बिना मेरे कहे टिग बैठनो ना पावते। जिन्हों बुलाउंदा सी ना ओ ही आउंदा सी, ते फिर ये नहीं भी बाहां चौड़ियां करके आवे भी लंका इधर झाके कोई इधर झाके, डरदे डरदे आउंदे सी भी पता नहीं अगों की बन जाना है, ते फिर आके मत्था टेक के ये नहीं भी मर्जी ना को बह सकदा होवे। याही को बुलाव तो सुआव तो शशंक मान बिना मेरे कहे टिग बैठनो ना पावते। वो कोल बहना नहीं सी पाउंदा जिन्ना चिर हुक्म नहीं सी ना बह जा उन्ना चिर बहिंदा नहीं सी कोई। आख्या दुनिया दे लोगो ताही गढ़ को रीछ बांदर लपेटता है सभी दिन एक से ना पाए मन पावते। दुनिया च दिन सदा इको जिहड़े रहिंदे ओही लंका
ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸਮੇਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਟਕ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਉਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਏਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਰਾਵਣ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਜਾਣ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਤਾ ਜਾਨਵਰ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਗਿਣਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਗਿਣਜੋ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਓ, ਗਿੱਦੜ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨੋਚੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਇਓ, ਲੰਕਾ ਵੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਲੰਕਾ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਲੜਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਬਕ ਗਿਰਜਨ ਸਿਉਂ ਕਹਿ ਰਾਵਣ ਮੋਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੇ ਹੋ ਰੇ ਭਈਓ, ਚੌਂਕ ਸਵਾਜ ਲਰੋਂ ਸੀਆ ਕਿਹੇ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਤਲੇ ਮੰਡਰਈਓ, ਜੂਝ ਮਰੋ ਰਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਮੀਤ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏ ਮੇਰੋ ਹੀ ਮਾਸ ਆ ਗਈਓ, ਰਾਮ ਕੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ੰਕ ਉੱਡੋ, ਪੈ ਘਸੀਟਤ ਲੰਕ ਕੀ ਔਰ ਨਾ ਜਈਓ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ, ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਰਕ ਨਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਬਿਰਧੀ, ਕਛ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰਾ, ਨਾ ਬੂਝੀਐ ਜੋ ਆਏ ਪਰ ਜਮ ਭੰਦ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਣੀ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਉਣੀ, ਪ੍ਰੌਢਿਆ 'ਚ ਆਉਣੀ, ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਵ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਸ਼ਪਦੀ ਅਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿਆਏ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਤ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ये दुनिया की अटल सच्चाई है कि हरेक प्राणी ने तालवस होना है। सरदार मेहर सिंह साहब जी, मैं हर साल जथा भी तुहाडे कोल आउंदा है और इत्थे कई कई दिन रहना, अगों पिछों भी आना, मिल के जाना, पता लेना है। चढ़दी कला का जीवन ते रिश्ता संबंध तरागी जथे ने दस ही दिता है। संत बाबा मैंगल सिंह साहब जी नानक सर वाली संपर्दा दे चमकदे सितारे ने सारी जिंदगी सेवा विच लाई ते उन्हां महापुरखां दे नाल इन्नी नेड़ली रिश्तेदारी है। और सरदार मेहर सिंह दे घरों साडे बीबी जी भाई मनजीत सिंह, भाई दलजीत सिंह दे माता जी, वह बाबा जी दे भैण जी, बाबा अरविंदर सिंह साहब जी प्यार से बजे हुए बैठे ने और जिन्हों का गूढ़ा रिश्ता इस परिवार के नाल बाबा जी के सपुत्र हैं। बड़ा चढ़दी कला का जीवन ते बड़े बचन सुनाने, कई बार गल्लां करनियां। सो 35 साल बिस्तरे ते पै गुजर गए, परमेश्वर की रजा वाहिगुरु का हुक्म है। 35 वरे बहुत जिंदगी का लम्मा समा है। 35 साल बिस्तरे ते पै के गुजारने, ऐसा रोग कुदरत ने ला दिता ते 35 दिन कटने बड़े औखे होंगे, बीमारी ऐसी 35 साल ते कटे। इस करके इस परिवार ने अमेरिका के सुखों की परवाह नहीं की, अपने बाप की संभाल की। कदे साडे बीबी जी हो रही इत्थे, कदे दो दो महीने दलजीत सिंह पप्पे हो रही बेचारे, कदे भैणा नहीं आना, कदे किसी ने आके ऐं धोते कपड़े ते हर तरह की संभाल की। ये भी किसी विरले विरले बच्चों के हाथ वस आया। पिछे तुसी साल को होया एक कहानी पढ़ी होनी भी चार पुत्र माँ दे चार बच्चे ते चार ही अफसर हैं ते माँ मरी की लाश नूं को लैण नहीं आया। चौं पुत्रां चौं यतीम खाने आ बिरध आश्रम बने हुए ने अजकल, परे पैन बिरध आश्रम जिन्हां बच्चों वास्ते रात दिन खुस खुस मरते हैं। वो जो बापू माड़ा ढिला मठा हो गया, बेबे ढिली मठी हुई, बिरध आश्रम च छड आउंदे ने। पर मंजे ते पए हुए बजुर्ग नूं दो चार दिन को साल की गल नहीं, 35 साल अपने मापियां की सेवा परिवार ने करनी, ये परिवार के हिस्से आया। तो मैं इस गल तो बड़ा प्रभावित सां भी इन्ना साथ देना ते इन्हां दी सेवा दे कारण करके इन्ना लम्मा समां बिस्तरे ते कट गए। मेरी गुरु अगे अरदास है, गुरु कृपा करे। सरदार मेहर सिंह साहब जी साडे सत्कारयोग बजुर्ग सतगुरु उन्हां नूं सदीव सदीव काल अपने चरणां दी अपहिरता बख्शे। भगत जी ने एक बचन किया गुरबाणी के अंदर, वो कहिंदे मालक मेरी अरदास है तेरे चरणा विच, ऐस जिंदगी विच कृपा करी ते मैनू चरणा नाल जोड़ लवी, वार वार मैनू जूना की भटकना च ना पैण देवी। भगत जी ने अरदास की मालक के चरणा च, आपां भी बाबा मेहर सिंह की अरदास करिए। कहत कबीर सोना हो रे संता हो, खेत ही करहो नबेरा, अब की बार बगस बंदे को, बाहर ना पवजल फेरा। ऐ मेरे वाहिगुरु निरंकार कृपा करी जम्मण मन तो रहत करके अपने चरणा की सदीव सदीव काल चरणा की अभेदता बख्शियो। उन्हां दी लगी हुई टैक की बगीची फलवाड़ी साडियां पैणा साडे वीर सरदार मनजीत सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी पप्पा, सारा परिवार विदेश च रही, बड़ी गुरु की कृपा। मैं कई बार उत्थे इन्हां दे घर जाके आया, बड़ा प्यार करदे ने, दिलों करदे ने। ये प्यार दियां सांझां ने, प्यार दियां तंदां मजबूत होईयां रहण। बड़ा प्यार है इस परिवार दे नाल। गुरु कृपा करे विदेशों च रह के भी चढ़दी कला, बड़े गुरु ने सुंदर कारोबार बख्शे ने और हर वेले सेवा च लक पल के जुड़े रहिंदे ने। गुरु इन्हां नूं होर चढ़दियां कला होर सहूलतां बख्शे और अपने चरणा नाल परिवार नूं जोड़ी रखे। ये गुरु के चरणा विच अरदास आ, मैं इन्नियां क बेनतियां करदा होया। तुसीं बजुर्गां दी याद विच भोग ते सारे आपां जुड़ मिल के इकट्ठे होए हैं,
और सारे संगी स्नेही सारे इत्थे पहुंचो गुरु घर का नानक सर संपर्दा का कीर्तन जथा सत्कारयोग बाबा अरविंदर सिंह साहब जी पहुंचे ने और बड़ी गुरु की कृपा है। मैं कई बार उन्होंने वेहना जो तुम झाड़ू लैके फिरते होंगे गल लागी जथे दी ठीक है कोई बाहरों आके तो जुत्ती ते मिट्टी नहीं पैन देंदा कोई झाड़ू फेरद असी कि गुरुद्वारे जाके झाड़ू फेरते हैं सारी उम्र बाबे मैंगल सुने दो हाथों से झाड़ू फड़े होने दो हाथों से वेखना ने शाम को संगत को नाल लैके तो परिक्रमा दो हाथों से झाड़ू फेरी जाना संगत ने जल पाई जाना है बूटे तो बूटा कहते बहुत घट लगता पर बाबे रविंदर सोहरी लगे ने कनेडा के सोहा आराम छड़ के तो झाड़ू फड़े हुए ने उस नानक सर के पवित्र स्थान जिते महापुरखों ने बैठ के तप किए ना अज भी खंड पाठों लड़िया संपट पाठों दड़िया प्रवाह चलते हैं उस स्थान की सेवा लक बन के करते हैं गुरु होर चढ़ती कला बख्शे बड़ा प्यार देंगे ने बाबा मैंगल सिंह साहब जी की मेरे ख्याल 25 तरीक तो 25 मई में बरसी होंगी है मैं हर साल ही करीबन करीबन बाबा जी याद करते तो पहुँचीदा है महापुरखों की बरसी ते सो गुरु कृपा करे सारा परिवार चढ़ती तो चढ़ती कला वाले गुरसिखों सतगुरु होर सिखी की दात बख्शे जिन्हें आयो दुख में शामिल होइए दुख घटता है खुशी में शामिल होइए खुशी च वाधा होंदा है परिवार नाल स्नेह करते हुए दुख में सारे शरीक होए हो सेवक परिवार वालों सर सारे का भाई हार्दिक धन्यवाद है तो असी इस दुख की घड़ी में शामिल होए हो और अरदास करियो सतगुरु बुजुर्ग विछड़े हुए सरदार मेहर सिंह जी को चरणा दी भेरता बख्शे पिछे परिवार को सतगुरु चढ़ती कला प्रदान करे गुरु चरणा चरदास है बहुत बहुत धन्यवाद भुल चुक दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ठाकुर।